यहाँ का वातावरण बिल्कुल क्लियर है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा, साफ सुथरा है। मैं आपको फ्रंट से बैक कैमरा करके बताऊंगा, दिखाऊंगा यहाँ का व्यूज़। तो दोस्तों आप देख सकते हो एकदम क्लियर मौसम है, क्लैरिटी छाई हुई है, किसी भी चीज़ की यहाँ कोई नौबत नहीं है। तो आज का माहौल ये जलंधर पंजाब का, और बिल्कुल साफ सुथरा मौसम, साफ सुथरा वातावरण यहाँ का, नो पोल्यूशन, नो नथिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। तो दोस्तों मेरे सामने हाईवे है और आपको हाईवे भी दिखाने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो गाड़ियाँ बसें खूब दौड़ के चल रही हैं, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप अपने अपने राज्य का ज़रूर बताएंगे कि आपके राज्य में क्या चल रहा है, क्या माहौल है, कैसे मौसम है, और आप लोग इस समय क्या फील कर रहे हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, जय माता दी, जय माता दी। आप सब भाइयों को कुलदीप कुमार भक्ति गीत की ओर से बहुत बहुत बधाई हो कि मौसम में काफ़ी तब्दीली आ गई है और आज का मौसम बिल्कुल एकदम एक क्लास और सामने भी बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि यहाँ पर काम तो जोरों शोरों से चल रहा है। तो दोस्तों मैंने सोचा आज दिन में लाइव आकर अपने सब भाइयों को एक बार अपने पंजाब का, अपनी स्टेट का हाल बता दूँ। तो जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि आज का मौसम, और ऑफिस से लोग आप छुट्टी करते हुए जाते हुए आपको ज़रूर घर पे जाते हुए भी दिखेंगे, क्योंकि आज वीकेंड था। तो वीकेंड पे लोग, आज एक्चुअली में थर्ड सैटरडे है, इसलिए सैटरडे ऑफ के तौर पर लोग ऑफ डे काम करके चले जाते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख सकते हैं ये चैनल आपका अपना चैनल कुलदीप कुमार भक्ति गीत, और मैं लाइव हुआ पड़ा हूँ जलंधर पंजाब से। तो दोस्तों यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है, यहाँ का वातावरण ठीक है, यहाँ की हर हवा ठीक है, यहाँ के कामकाज लोगों के बिल्कुल ठीक हैं, और देखो पंछी भी आसमान में उड़ते, चंद्रमा आपको सामने दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो जय श्री राम दोस्तों। तो ये व्यूज़ था जलंधर पंजाब के ऑफिस का, और ये इस ऑफिस में देखो कितना शानदार बगीचा, बाग, पार्क, गाड़ियाँ खड़ी आपको दिख रही हैं, सुहानी सी पार्क है। तो आप सोच सकते होंगे मन में कि कितना अच्छा एरिया होगा, कितना अच्छा यहाँ का व्यूज़ आ रहा है। सामने बेलपत्र के पेड़ हैं, सामने ये क्रिसमस ट्री है, उसके सामने कॉर ट्री है, बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, और दोस्तों सामने एक बड़ी, जिसको कि हमारे पंजाबी में कहा जाता है कि गौ। तो एक्चुअली में ये क्या है, ये मशीनरी कैसी है, इसका नाम रखा गया गौ। तो सामने बहुत बड़ी मशीनरी आपको नज़र आ रही होगी, इसको गौ कहते हैं। तो दोस्तों आप भी कुछ अपने बारे में बताएंगे, वहाँ अपने स्टेट का हाल बताएंगे, अपने शहर का बताएंगे, अपने टाउन का, अपने कस्बे का, जहाँ कहाँ भी आप रहते हैं, तो आप उसका हाल ज़रूर बताएं कि आपके वहाँ क्या चल रहा है और आपके वहाँ मौसम कैसा है। मैंने सुना था कि सैटरडे और संडे बारिश का माहौल बन सकता है, तो आज सुबह हल्के फल्के बादल आए थे, लेकिन अब जो है आपको आसमान दिखाने जा रहा हूँ। देखो देखो देखो, कहीं भी आपको कोई बादल का निशान नहीं दिखेगा, कहीं भी नहीं दिखेगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्लियर दिख रहा है कि आज कोई बारिश की संभावना नहीं है, और पंजाब में कोई बारिश नहीं है, मौसम साफ है। सुबह थोड़ी देर के लिए, सैटरडे सुबह थोड़ी देर के लिए अराउंड 9 o'clock तक थोड़ी बहुत फॉग पड़ी थी, धुंध पड़ी थी, और उसके बाद मौसम ए क्लास, जिसको कहते हैं A1 मौसम था। तो अभी भी A1 मौसम है, आपको सामने गार्डन में दिख रहा होगा वाइट वाइट ये धूप दिखाई दे रही है आपको, पेड़ों के बीच में से देख सकते हैं आप, यहाँ धूप है। तो दोस्तों आपके राज्य